तो अभी अभी न्यूज़ आई है, लेटेस्ट न्यूज़ है कि इंडिया में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज हो चुकी है बैन। तो आज मैं इसके बारे में ही डिस्कशन करूँगा आपसे कि बिटकॉइन जैसी करेंसीज का इंडिया में बैन हो गई है या नहीं हुई है। आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूँगा। जिन्हें नहीं पता कि बिटकॉइन क्या होता है या क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है, उन्हें मैं छोटा सा इंट्रो दे दूँ कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। इसे आप क्रिप्टो करेंसीज भी कहते हो या फिर वर्चुअल करेंसीज भी कहते हो। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, यानी कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी सरकार, कोई भी इंसान इसको नहीं चला सकता अकेला। आपने सेंटर नाम तो सुना होगा, सेंटर उसे कहते हैं जो गवर्नमेंट खुद उस चीज़ को चलाती है। जैसे कि इंडियन रुपी, आप जानते होंगे इंडियन रुपी को गवर्नमेंट ही चलाती है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको बंद कर सकती है या फिर कुछ भी कर सकती है, कोई भी ऐसे कायदे कानून बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, ये डिजिटली स्टोर होती है। आपने ब्लॉकचेन का नाम तो सुना ही होगा। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा वॉलेट है जिसमें आप क्रिप्टो जैसे करेंसीज, डिजिटल करेंसीज जो है स्टोर कर सकते हो। फिर उससे जो है आप बाय सेल कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सामान खरीद सकते हो या फिर उसे तुरंत अपने बैंक अकाउंट में बुला सकते हो। खैर, बाद में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा बिटकॉइन के ऊपर, वहाँ पे मैं सब कुछ मेंशन करके बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो जैसी करेंसीज क्या होती है। पहले हम बात करते हैं कि बिटकॉइन सही में, सही मायने में क्या इंडिया में बैन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी कुछ दिन पहले जो है एक ड्राफ्ट बिल का स्क्रीनशॉट जो है पोस्ट किया गया था ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जितनी भी सोशल मीडिया, वहाँ पर एक ड्राफ्ट बिल का स्क्रीनशॉट जो है पोस्ट किया गया है। और वहाँ पे एक चीज़ जो है मेंशन कर रही कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से ले तक रिलेटेड, कि अगर आप ट्रेड करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, माइनिंग करते हो, यहाँ तक कि आप होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है और आपकी बेल भी नहीं होगी। मतलब कि आपको 10 साल जो है जेल में बिताने ही पड़ेंगे। तो क्या ऐसा ड्राफ्ट बिल क्या तैयार हो गया है कि अगर हम बिटकॉइन से रिलेटेड अगर कुछ भी करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं, बाय सेल करते हैं या किसी भी तरह से बिटकॉइन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें 10 साल की जेल हो जाएगी? नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा ड्राफ्ट बिल तैयार नहीं हुआ है जिससे आपको क्रिप्टो करेंसी से या बिटकॉइन से रिलेटेड कोई भी चीज़ से आपको जेल हो जाए। अगर आप यूज़ करते हो बिटकॉइन को तो आपको जेल हो जाएगी। अभी कोई भी ऐसा बिल तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो है ऐसी खबर सुनने में आई है कि ऐसा बिल जो है तैयार हो चुका है और आगे जो है ये लागू हो जाएगा। तो मुझे क्या लगता है बिटकॉइन से लेकर, मेरा ओपिनियन क्या है, मुझे क्या लगता है, मेरा सजेशन क्या है, मैं आपको ये बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बिटकॉइन को लेकर कि बिटकॉइन में जो है एक साल से जो है केस चल रहा है। आपको पता होगा कि बिटकॉइन में सुप्रीम कोर्ट में जो है केस चल रहा है, 2018 से 2019 तक जो है केस चल रहा है, वसूली चल रही है बिटकॉइन से रिलेटेड। तो क्या वसूली चल रही है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या वसूली चल रही है। तो हुआ क्या, अप्रैल 2018 में, मतलब 6 अप्रैल 2018 में जो है बिटकॉइन के ऊपर आरबीआई ने जो है बैन लगा दिया कि आप बिटकॉइन को जो है बाय सेल नहीं कर सकते बैंक अकाउंट से, और ना ही इसको बैंक अकाउंट में बुला सकते हो, ना ही आप INR में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो हुआ क्या, जितने भी एक्सचेंजर थे, जितनी भी जो एक्सचेंजर थे, वो सारे के सारे जो शॉक में आ गए, घबरा गए कि अगर ये जो RBI जो है बैन लगा देगा इसको लेकर, अगर ये सर्विस नहीं देगा तो हमारा तो जो बिजनेस है वो चौपट हो जाएगा पूरा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। तो एक्सचेंजर ने RBI के खिलाफ जो है विरोध करना शुरू कर दिया, फिर उसके ऊपर जो है केस डाला गया। पहले तो ये केस पहुंचा हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट से सीधा पहुंच गया वो सुप्रीम कोर्ट में। अब जितनी भी चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट जो है देख रहा है। फिर क्या हुआ, फिर हेयरिंग हुई, जितनी भी जो RBI थे, RBI और एक्सचेंजर थे, उनके बीच में जो है हेयरिंग हुई, भसूड़ी चली कि बिटकॉइन तो ये है वो है, अलाना है फलाना ढिमकाना, सब कुछ ऐसा भसूड़ी चली। फिर बाद में RBI ने जो है ये एक्सेप्ट करा कि हमने जो है इस बिटकॉइन को लेकर हमने कुछ भी जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करी, कुछ भी ऐसा नहीं करा, बस हमने इसके ऊपर जो है बैन लगा दिया, ब्लैंकेट बैन लगा दिया। खुद ये चीज़ें RBI ने जो है एक्सेप्ट कर दी थी। फिर उसके बाद में जो है हेयरिंग जो है आगे आगे बढ़ती गई, ऐसा कुछ चलता गया, अब तक जो है हेयरिंग चल रही है अभी भी। फिर आपको पता होगा कि अप्रैल 2019 में, मतलब अभी की बात है, अप्रैल की बात है, कि सुप्रीम कोर्ट में जो है गवर्नमेंट को जो है एक अपॉर्चुनिटी दी थी, ये कहा था कि आप जो है रेगुलेशन लेके आओ तब ये कोर्ट जो है फैसला सुनाएगी।
आपको 4 वीक का टाइम दिया गया है। अगर आप 4 वीक के अंदर अंदर जो है रेगुलेशन लिया है तो कोर्ट फिर भी फैसला सुना देगी, अगर नहीं लेके आए तो ज़रूर फैसला सुना देगी। फिर उसके बाद में जो है 4 वीक का टाइम निकल गया, फिर 4 वीक आई, फिर उसके बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया बल्कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है अभी तक रेगुलेशन नहीं लेके आए, हमें थोड़ा सा और टाइम दे दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है थोड़ा और टाइम दे दिया। तो अब जो हेयरिंग है वो होगी जुलाई को, मतलब 23 जुलाई को जो है अब दोबारा से हेयरिंग है। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ड्राफ्ट बिल जो है हेयरिंग से पहले आ गया, जून में आ गया। अब मुझे तो नहीं लगता कि जो है, मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे क्या लगता है मैं बताना चाहता हूँ आपको। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक साल में जो है जितने भी बिल जो तैयार हो, आपको पता है जो कमेटी की जो हेड है जो इस चीज़ को जो है लीड कर रहे हैं वो है सुभाष चंद्र गर्ग, जो बिटकॉइन क्रिप्टो जैसी करेंसी के हेड है। ये इस चीज़ को जो है रेगुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के बीच में ये जो है ड्राफ्ट आ गया। आपको पता है कि ड्राफ्ट जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है, ड्राफ्ट के जो एक साल से जो चल रहा है बिटकॉइन के ऊपर ड्राफ्ट चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ड्राफ्ट है ये शायद पहले आ गया होगा, फिर उसके बाद में जो है ये कैंसिल हो गया होगा, ये खारिज कर दिया गया होगा उसको। आपको पता है ड्राफ्ट बिल में, मैं आपको बता दूं कि ड्राफ्ट बिल में जो है ऐसी चीज़ें मेंशन होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव सब कुछ मेंशन होता है। अगर आप इस चीज़ को बैन कर रहे हो तो उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि आप बैन क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगर बैन नहीं करते, अगर रेगुलेशन कर रहे हो तो उसमें भी सब कुछ लिखा होता है कि हम रेगुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, सब कुछ मेंशन होता है उसमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्राफ्ट बिल है वो पहले तैयार हुआ था लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया था, फिर उसके बाद में इसका जो स्क्रीनशॉट है वो दोबारा से लेकर आया हुआ है। कभी कभी जो पुरानी खबर है वो दोबारा से दिखाई जाती है, आपको पता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन को जो लेकर कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो बिटकॉइन को जो है कंट्रोल कर सके। इवन चाइना में जो है बिटकॉइन बैन है, अगर आपको पता होगा तो चाइना में जो है बिटकॉइन बैन है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं अभी भी बिटकॉइन के ऊपर कुछ लोग जो है काम कर रहे हैं। तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाई, सरकार जो है बिटकॉइन को जो है बैन करने की कोशिश कर रही, पूरी तरह से बैन करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कर नहीं पाई। इवन जो बड़ी बड़ी कंट्री है, USA हो गई, रशिया हो गई और जापान जैसी कंट्री हो गई, इन सब ने, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जो कंट्री ने जो है बिटकॉइन के ऊपर जो है चर्चा की है, ये लोग रेगुलेशन लेकर आ रखे हैं। और जापान में तो बिटकॉइन बिल्कुल तरह से जो है लीगल है, आपको पता ही होगा बिटकॉइन से लेकर बिल्कुल लीगल है। उसमें जो है आप बिटकॉइन से जो है कुछ भी सामान खरीद सकते हो, कुछ भी सुई से तक एरोप्लेन तक कुछ भी खरीद सकते हो। और यहाँ पे बिटकॉइन जो है लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि यहाँ पे आप बिटकॉइन से कोई भी सामान नहीं खरीद सकते बल्कि अपने बैंक अकाउंट में बुला सकते हो। तो आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन सही मायने में जो है इंडिया में बैन हो जाएगा? क्या सही में बिटकॉइन को बैन करना क्या पॉसिबल है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिटकॉइन जो है डिसेंट्रलाइज करेंसी है और इसको कोई भी रोक नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट चाहता था तो उसी टाइम ही फैसला सुना सकता था, लेकिन उसने फैसला नहीं सुनाया। उसने क्या करा कि बिटकॉइन को, उसे लगा कि बिटकॉइन जो है बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट करेंसी है और इसके ऊपर मुद्दा जो है मतलब चलना चाहिए, मुद्दा जो है चलना चाहिए और सब कुछ जो है देखना चाहिए, फिर जाके फैसला सुनाना चाहिए। और बहुत ही समझदारी से जो है उसने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट को जो है एक अपॉर्चुनिटी दे दी, एक कहा कि आप इसके ऊपर रेगुलेशन लेके आइए तभी हम फैसला सुनाएंगे। बल्कि RBI ने ये कहा था कि आप सबसे पहले रेगुलेशन लेके आइए तब हम इसके ऊपर बैन हटाएंगे, तब देखेंगे कि बैन हटाना है कि नहीं हटाना, पहले आप रेगुलेशन लेके आइए। इवन जो ये ड्राफ्ट बिल जो तैयार हुआ था तो उसमें जो है RBI ने जो है, जो अरुण जो सेट्टी है उन्होंने, जो लोअर हैं, जो ब्लॉकचेन के लोअर है, उनसे जो है बातचीत करी थी, उन्हें बताया कि आपके पास क्या ऐसा ड्राफ्ट बिल आया कि जो कॉपी है वो आई है क्या, क्या आप इस चीज़ से जो आपने जो है इंटरलिंक कर रखा, मतलब आपने जो है मीटिंग या कम्युनिकेशन किया था? तो उनका जवाब आया RBI की तरफ से कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा, हमारे पास बल्कि कोई भी ऐसी कॉपी नहीं आई है। तो ऐसी जो है वो न्यूज़ चल रही है कि बिटकॉइन जो है इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो ये पूरी डिटेल बता दी मैंने आपको कि बिटकॉइन के ऊपर क्या भसूड़ी चल रही है, क्या नहीं चल रही है, पूरी डिटेल बता दी आपको। 2018 से लेकर 2019 तक जो है पूरी भसूड़ी बता दी मैंने आपको। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, क्या बिटकॉइन सही में जो है इंडिया में बैन हो जाएगा? इवन जो चाइना जैसी कंट्री है वो बिटकॉइन को जो है नहीं रोक पाई है, तो क्या इंडिया रोक देगी? आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।